दो एक है, किंतु विषय विभाग की दृष्टि से इसे चार भागों में बांटा गया है। तो हे गाइस, वेलकम बैक माय अनदर व्लॉग। कैसे हम सभी लोग, आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज जा रहा हूँ नोएडा सेक्टर 101 में। एक पार्क है, काफ़ी अच्छा पार्क है, उसका नाम है वेद वन। तो आज मैं वहाँ पर जा रहा हूँ वीडियो शूट करने के लिए अपना ब्लॉग। तो आप लोग ब्लॉग पर बने रहें। अभी मैं जा रहा हूँ अब्राहिम मंदिर पर, मेले ग्राउंड में, वहाँ पर शायद भाई आने वाले हैं, फिर हम लोग जाएंगे वेद वन पार्क में। तो दोस्तों, शहीद भाई आ चुके हैं मंदिर के ग्राउंड में। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रे, मेरा इंतजार कर रहे थे बेचारे बहुत देर से। शहीद भाई चले। ये रे शहीद भाई, क्या घुस गया मुंह में मच्छर? क्या हाल है चौधरी साहब? बढ़िया जी, बढ़िया। और बताओ। अस्सलाम वालेकुम। चलो चले आज। आज कहाँ जा रहे हैं हम लोग? वेद वन पार्क। वेद वन पार्क नोएडा में, सेक्टर 101 में। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये है दोस्तों हमारे यहाँ का गोल चक्कर, घंटा चौक। See if you can follow, got me feeling alive. Watch me go, lose control, is this real? ये जो आप सामने होटल देख रहे हैं, ये है क्राउन प्लाजा, जो कि मायावती ने बनवाया था। तो दोस्तों, अभी हमें ग्रेटर नोएडा में, और अब ये जो बोर्ड दिख रहा है, यहाँ से होता है नोएडा स्टार्ट। अब हम लोग काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं वेद वन पार्क के। तो दोस्तों, मैं पहुँच चुका हूँ वेद वन पार्क में। देख सकते हैं आप लोग मेरे पीछे, ये पार्क है, वेद वन नाम है इसका। काफ़ी सुंदर पार्क है, मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर है ये पार्क। तो अब हम जा रहे हैं इसके अंदर, और आज हम लोग इसके अंदर लेजर लाइट शो भी देखेंगे। इसके अंदर लेजर लाइट शो होता है। चलो चलते हैं अंदर। ये है इसका एंट्री गेट, और ये रहे साजिद भाई। ये देखो दोस्तों, इस तरीके का ही है एंट्री। वाकई में काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। देखो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा सुंदर है पार्क। अभी जब ये शाम हो जाएगा, यहाँ पर अंधेरा सा हो जाएगा, जब यहाँ पर लेजर लाइट शो होएगा इसके अंदर, इस ग्राउंड के अंदर, और उधर सब बैठेंगे। देखो दोस्तों मेरे पीछे, ये कितना सुंदर लग रहा है। ये इनका नाम है महर्षि, क्या नाम है इनका? जमदग्नी नाम है इनका। ये जो पानी के अंदर फुहारे देख रहे हो ना, ये इन्हीं से होगा लेजर लाइट शो। राहिद भाई ये देखो अंदर का, और अंदर आ गए हम लोग। कितने सुंदर सुंदर स्टैचू बने हुए हैं यहाँ पर। डोंट टच, डू नॉट टच स्टैचू। देखो दोस्तों भाइयों, ये देखो, ये कितना अच्छा लग रहा है स्टैचू। सही है, ये हाथ के ऊपर हाथ है, बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखो सफाई तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। कुछ बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, अति सुंदर। दोस्तों यहाँ का शाम का नज़ारा ज़्यादा ही खूबसूरत होता होएगा। आज हम लोग देखेंगे। हाँ, ये पकड़ा गया, रंगे हाथ और रसगुल्ला उठाता हुआ। ये खाली हाथ मार रहा है। ये वही दोनों ही है जिन्होंने हाथ काटा था, उल्टा कर दिया गया। देखो दोस्तों कितना खूबसूरत है। तो दोस्तों, स्पेशली हम लोग यहाँ पर लेजर लाइट शो देखने के लिए आए हुए हैं। तो अभी तो थोड़ा सा टाइम है शाम होने में, अंधेरा सो जाएगा जब लेजर लाइट शो स्टार्ट होगा। तो आज हम लोग वो ज़रूर देख के जाएंगे। तो पार्क तो काफ़ी सुंदर है, मगर पार्क तो हमने बहुत जगह का देखा है। दोस्तों ये कितना सुंदर बनाया गया है, ये जो स्टैचू सा बनाया गया है लोहे का, इसके हाथ में से वो निकल रहा है पानी, और बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो यहाँ पर लेजर लाइट शो होगा, रात में 8 बजे होगा।
अभी हम लोगों ने टाइमिंग देखा तो रात में 8 बजे होएगा। और ये यहाँ पर काफ़ी सारे फ्लैट हैं, ये देखो। सईद भाई आ जाओ। तो सईद भाई अपने ब्लॉग शूट करते हुए हमारे वीडियो में दिख रहे होंगे आपको। देखो दोस्तों, ये सब लिखा गया है संस्कृत में, और सब ये सब संस्कृत में लिखा गया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है बॉल से। ये दोस्तों आप लोगों को मेरे पीछे वो महर्षि दिख रहे होंगे, वो अपने शिष्यों को पढ़ाते हुए। चलो मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखा देता हूँ, ये देखो। और भी नज़दीक जा कर के दिखाता हूँ। एक गुरुजी हैं, वो अपने शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है नज़ारा। ये देखो दोस्तों, काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, स्टैचू। वो गुरुजी बैठे हैं और यहाँ पर उनके शिष्य हैं सब, जिनको वो शिक्षा दे रहे हैं। मैं आप लोगों को इधर से भी दिखा देता हूँ, ये देखो। काफ़ी अच्छा नज़ारा है इस पार्क का। वेद वन पार्क नाम है इसका, नोएडा सेक्टर 101 में है। कभी आए आप लोग भी घूमने के लिए। तो दोस्तों उधर एक काफ़ी खूबसूरत मंदिर से दिख रहा है, अभी हम लोग वहाँ पर भी जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर एक महर्षि और बनाए गए हैं, जहाँ पर लोग बाग फोटो ले रहे हैं, वो देख रहे होंगे आप। अभी हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं। साजिद भाई भी अपना वीडियो शूट कर रहे हैं उस जगह पर, तो मैं भी वहीं पर ही जा रहा हूँ। स्टैचू बहुत अच्छे अच्छे हैं, ये देखो। में तो आ रहा है लेकिन आंखों से देखोगे तो नहीं दिखेगा, और साइड से पूरा दिखता है। ये देखो देखो, ये देखो, पूरी मूर्ति आ गई। महर्षि हैं ये। सईद भाई आओ उधर चल रहे हैं। तो दोस्तों ये देखो, एक यहाँ पर हाथ सा और दिखा, पंजा सा, जिसके अंदर की चिड़िया है। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे अनोखे चीज़ बनाए गए हैं जो कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलती, ये देखो, है ना। और ये रे सईद भाई, देखो दोस्तों कितना सुंदर नज़ारा है पीछे का मेरे, ये देख सकते हैं आप। और अभी यहाँ पर 8 बजे से लेज़र लाइट शो स्टार्ट होने वाला है, तो आज हम लोग उस लेज़र लाइट शो को ज़रूर देख करके जाएंगे। सुना है कि काफ़ी अच्छा होता है, तो आज देख के जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे भी। बैठे हुए लेजर लाइट शो देखने के इंतज़ार में, काफ़ी ज़्यादा उत्साह है देखने की। हमें बहुत मोटा पैसा खर्च करा हमने, बहुत मोटा पैसा खर्च करा है हम लोगों ने लेजर लाइट शो देखने के लिए। ये जो सामने देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर होएगा लेजर लाइट शो, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा रात के टाइम। ये जो पार्क बनाया है, इन अपार्टमेंट फ्लैटों के बीचों बीच में बनाया गया है। काफ़ी ज़्यादा सुंदर जगह है और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। It won't be easy, only get what you work for. Gotta go all out whenever. तो दोस्तों सईद भाई गए हुए गोलगप्पे खाने के लिए। चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, चुप चुप के गोलगप्पे खा रहे हैं। बस 50 रुपए के तो हो गए अब। लग रहा शायद भाई गोलगप्पा। मुंह भरा पड़ा है गोलगप्पे से। तो दोस्तों शायद भाई लगवा रहे हैं काला खट्टा, अब हम लोग काला खट्टा खाएंगे यहाँ पर। ये हमारा बन रहा है काला खट्टा, शायद भाई लगवा रहे हैं। ये आ चुका है काला खट्टा, शायद भाई ने पैसा दे दिया है। एक और लग रहा है भाई। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, ये देखो यहाँ पर लाइटें जल चुकी हैं। कितना अच्छा लग रहा है, लाइट जल के यहाँ पर। वो फुहारा चालू हो गया वहाँ का, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो। देखो दोस्तों अभी लेजर लाइट चालू होने में टाइम है, मगर यहाँ पर फुहारा
स्टार्ट हो चुका है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, देखो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो देखो दोस्तों कितना खूबसूरत नज़ारा होता जा रहा है, अभी धीरे धीरे और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा हो जाएगा यहाँ का। ये देखो दोस्तों फुहारा स्टार्ट हो गया, ये देखो फुहारा जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है दोस्तों लाइक देखने में। हाँ जी हाँ, अभी एडजस्टमेंट चल रहा है। दोस्तों अब स्टार्ट होने जा रहा है, ये देखो लाइट जल गई है और बारिश खूब ज्यादा हो रही है। गाइस स्टार्ट हो चुका है, अभी है बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। देखो दोस्तों कितना खूबसूरत है, पूरे पार्क की लाइट बंद कर दी। देखो भाई, ये देखो देखो कम देखो देखो बीच में से ओम सा निकल के आ रहा, बड़ा हो जा रहा है। भारत में आदिकाल की विलुप्त हो रही ऋषि परंपरा का पुनरुत्थान की गाथा वेदवन से प्रारंभ करने की चेष्टा की गई है। परमपिता परमात्मा की पवित्र वाणी है जो सृष्टि के प्रारंभ में मानव मात्र के कल्याण अग्नि वायु आदित्य अंगिरा इन चार ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में उद्भूत हुई। किस मौसम में बैठे हैं तत्व ज्ञान की दृष्टि से दो किंतु विश्व विभाग की दृष्टि से इसे चार भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों काफी ज्यादा बारिश हो रही थी वहां पर जहां पर मैं वीडियो शूट कर रहा था वेदवन पार्क में, तो हमें 3 से 4 घंटे हो गए थे पार्क में भीगते भीगते। तो अब मैं आ चुका हूँ घर अपने, और दोस्तों मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आप लोगों को कैसा लगा वेदवन पार्क। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड नाइट बाय। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट करो चैनल को सब्सक्राइब करके।